अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, आप सबको खैर व आफियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबकी तमाम मुश्किलें, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब दूर कर दें। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को एक नहीं, दो दो डिज़र्ट रेसिपी दूँगी, बहुत ही बेस्ट रेसिपी दूंगी मैं आज आप लोगों को। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मीठा खाने वाले के लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की होने वाली है। तो चलें, आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर गुलाब जामुन और रसमलाई। यहाँ पर मैंने दो प्याली में चीनी ली है। एक तरफ मैं गुलाब जामुन के लिए शीरा रेडी करूँगी, एक तरफ मैं यहाँ पर दूध में गुलाब जामुन के लिए दूध के लिए मैंने यहाँ पर शुगर लिया है। यहाँ पर मैंने बादाम कूट के रखा है, इसको मैं रस मलाई में यूज़ करूँगी। यहाँ पर मेरे पास दो खाने का चम्मच ही सूखा मिल्क पाउडर है, दो खाने के चम्मच ही मैंने यहाँ पर लिक्विड मिल्क का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने एक अंडा फेंट के रखा है, पांच से छह दाने मेरे पास छोटी इलायची के हैं, इसे मैं शीरे में डालूँगी रस गुलाब जामुन के लिए। और यहाँ पर मैंने दो से तीन खाने के चम्मच ऑयल का लिया है। चलें जल्दी से, मैंने मिल्क गर्म होने के लिए रख दिया है दूध को, और शीरे के लिए मैंने पतीली रख दी है, आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर यहाँ देखें, मैंने दूध बॉईल कर लिया था पहले ही, मैंने यहाँ पर फ्लेम अभी हाई कर दी है। हाफ प्याला मेरे पास शुगर है, मैं इसको ऐड कर दूँगी इसमें। रसमलाई के लिए मैं इसे दूध में मिक्स कर रही हूँ। दूध में अच्छे से बॉईल आना है, बस उसके बाद ही आपने रसमलाई की गोलियाँ इसमें डाल देनी है, क्योंकि हमने दूध को ज़्यादा नहीं पकाना है, गाढ़ा नहीं करना है दूध को। दूध आपका पतला ही होना चाहिए, फिर आपकी रसमलाई बहुत ही मज़े की बनेगी। और यहाँ पर मैंने डेढ़ कप पानी लिया है, आधा थ्री क्वार्टर मैं यहाँ पर शुगर डाल रही हूँ शीरे के लिए। साथ ही मेरे पास है यहाँ पर इलायची के पांच से छह दाने, इनको भी डाल लेंगे। एक तार आने तक हमने शीरे को पकाना है, और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देना है। यहाँ पर देखें, दूध हमारा पकने लगा है। अब जल्दी से रसमलाई की गोलियाँ बनाते हैं और डालते हैं। यहाँ देखें, मैंने रसमलाई के पैकेट लिए हैं लजीज़ा के, आप लोग किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। इसे एक बाउल में डालेंगे। यहाँ पर मैंने अंडा फेंट के रखा है, अंडे को भी लेंगे। एक दफ़ा में आपने सारे अंडे यूज़ नहीं करने हैं, हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही डालेंगे इसमें। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर दो चम्मच अंडा ले रही हूँ, दो चम्मच ही मैंने इसमें ऑयल लेना है। बहुत ज़्यादा गीला हमने बैटर नहीं बनाना है, इसका गूंदना है, इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। और साथ साथ ही हम इसमें अंडा डालते जाएंगे जितनी ज़रूरत होगी हमें। दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है, उबलते हुए दूध में आपने इसकी गोलियां डालनी हैं, और फ्लेम आपने हाई रखना है गोलियां डालने के बाद। मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम नहीं कीजिएगा, वरना आपकी ये गोलियां अच्छे से फूलेंगी नहीं। देखें, मैंने यहाँ पर इसका हार्ड सा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसका बैटर रेडी हो गया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर एक चम्मच ऑयल और मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें। गोलियाँ बना के आपने रखना नहीं है, इसको साथ साथ ही गोलियाँ बनाना है और दूध में डालते जाना है। बहुत मज़े की रसमलाई बनती है। आज मेरे बड़े बेटे की बर्थडे भी है, आप लोग बहुत सारी दुआएँ दीजिएगा उसे, अल्लाह ताला उसे हमेशा कामयाब करे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। उसे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ, उसके लिए मीठा बना रही हूँ। आई होप उसे अच्छी लगेगी। तो चलें, इस तरह से मैं सारी गोलियाँ बना कर रखती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको दूध में डालते हुए। यहाँ देखें, मैंने रसमलाई की सारी गोलियाँ बना ली हैं, दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है, फ्लेम हाई कर देती हूँ मैं। पकते हुए दूध में आपने इसमें डालना है गोलियाँ, फ्लेम आपने मीडियम नहीं करना है, और चम्मच भी नहीं चलाना है बिल्कुल भी, वरना तो ये हमारी रसमलाई की गोलियां टूट जाएंगी। फिर चलें, इस तरह से हमने पकने देना है अभी इसको, पाँच से सात मिनट लगेंगे, हमारी गोलियां फूल जाएंगी। ये देखें, हाई फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ, चम्मच नहीं चलाऊंगी मैं इसे अभी बिल्कुल भी। चलें, पाँच से छः मिनट के बाद मिलती हूँ। यहाँ जल्दी से गुलाब जामुन भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ देखें, मैंने ब्रेड लिए हैं, आज मैं ब्रेड के गुलाब जामुन बनाऊंगी। इसके मैंने कॉर्नर की कटिंग कर ली है इसकी, इसको छोटे छोटे
टुकड़ों में काट लेंगे। गुलाब जामुन का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, आज मैं सेकंड टाइम गुलाब जामुन ट्राई कर रही हूँ, इंशाल्लाह इसका बेस्ट रिज़ल्ट होगा। यहाँ देखें मैं इसके कॉर्नर इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। कॉर्नर को इसको वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने, या तो आप लोग इसके क्रम्स बना सकते हैं, या तो फिर आप लोगों को मैं अभी दिखाऊँगी इसे किस तरह से मैं इसके कॉर्नर यूज़ करती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने इसके कॉर्नर की कटिंग कर ली है, दरमियान वाला पार्ट मैंने निकाल लिया है और इसको साइड पे करते हैं। तीन ब्रेड के स्लाइस लिए हैं मैंने, शीरा हमारा तैयार होने लगा है तो जल्दी से गुलाब जामुन की भी गोलियां रेडी कर लेते हैं। यहाँ देखें मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। टू टेबल स्पून ही मैं यहाँ पर मिल्क लिक्विड मिल्क ऐड कर रही हूँ, इसको भी एक साथ ही हमने मिक्स नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यहाँ 2 से 3 चम्मच मैंने मिल्क ऐड कर दिया है। यहाँ देखें ऑयल लेंगे, यहाँ पर 1 चम्मच अभी मैं बड़ा टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, बाद में और ज़रूरत होगी तो फिर डालेंगे इसमें। चलिए इनको भी अच्छे से मिक्स करते हैं। बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना आपने इसका भी। ये देखें अच्छे से ये मिक्स हो गए। अगर आपका बैटर पतला हो जाए तो परेशान नहीं होना, आपने एक और ब्रेड के स्लाइस इसमें मिक्स कर लेना है, तो ये फिर हार्ड हो जाएंगे। यहाँ देखें 6 से 7 मिनट हुए हैं, हमारे रसमलाई बिल्कुल बनकर तैयार है माशाल्लाह से। ये देखें इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ हो गई हैं फूल के। चलें अब इनको बाउल में निकाल लेते हैं। दूध अभी हमारा पतला है तो मैं गोलियाँ निकालने के बाद दूध को 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी ताकि ये दूध थोड़ी सी थिक हो जाए, और साथ ही इसमें बादाम भी डाल दूंगी। ये देखें बहुत मज़े के रसमलाई लग रहे हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, परफेक्ट बने हमारे रसमलाई। तो चलें ये इतना सा दूध रह गया, मैं 5 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी मज़ीद। यहाँ पर मैंने बादाम कूट के रखा था, इनको डाल के साथ ही पका लूँगी मैं। और यहाँ पर मैंने फ्रेश मिल्क से मलाई निकाली है, मैं इसको भी डाल दूँगी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अभी हमारे दूध में, जब हम ये रस मलाई खाएँगे तो साथ साथ ये मलाई मुँह में आएगी तो बहुत मज़े की लगेगी। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग डालिएगा, नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो चलें 5 मिनट के लिए मैं इस तरह से दूध को पकाती हूँ, फिर मिक्स कर दूँगी रसमलाई की गोलियों में। चलें जल्दी से अब हम गुलाब जामुन की तरफ आते हैं। तो यहाँ देखें रसमलाई वो गुलाब जामुन के लिए मैंने यहाँ गोलियाँ बना ली हैं। बैटर मेरा थोड़ा सा पतला हो गया था, मैंने इसमें ब्रेड के 2 स्लाइस और मिक्स किए हैं। आप लोगों का भी इस तरह से पतला हो जाए तो परेशान नहीं होना, आप लोगों ने 2 ब्रेड और इसमें मिक्स कर लीजिएगा, या 1 थिकनेस के हिसाब से, तो फिर आप लोग गोलियां बना लें इसकी जल्दी जल्दी। ऑयल गरम होने के लिए मैंने रख दिया है, यहाँ पर मैं छोटी छोटी गोलियां बना रही हूँ गुलाब जामुन के, क्योंकि ये शीरे में जाकर फिर बड़े हो जाएंगे। चलें इस तरह से हमने सारी गोलियां बना ली हैं, अब ऑयल में डाल देंगे इसको, जल्दी से फ्राई करेंगे। ये देखें सारी गोलियाँ मैंने बना ली हैं गुलाब जामुन की, अब इसको ऑयल में डालेंगे। ऑयल अच्छे से गरम होना चाहिए आपका, उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। बहुत जल्दबाजी में इसे फ्राई नहीं करिएगा, अंदर तक हमने इसको फुल कुक करना है। मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे तो अच्छे से ये अंदर तक पक जाएंगे। ये देखें सारी गोलियां मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में आपने इसे फ्राई करना है। और यहाँ देखें हमारा दूध 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है, अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी रसमलाई की गोलियों में। यहाँ देखें दूध हमारे पक गए हैं, गाढ़ा हो गया अच्छे से दूध, अब मैं इसको डाल दूंगी रसमलाई के ऊपर। ये देखें रसमलाई रेडी हो गई है, गुलाब जामुन भी अभी रेडी हो रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही बड़े बड़े हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं हमारे रसमलाई। आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपके बच्चे भी मीठे खाने के शौकीन हैं तो एक दफ़ा ज़रूर उनके लिए ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो चलें मैं रसमलाई गुलाब जामुन फ्राई हो रहे हैं देख लेते हैं।
यहाँ देखें गुलाब जामुन बहुत अच्छे से फ्राई कर लिए हैं मैंने इनको, अच्छा सा कलर दे दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई किया, फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने शीरे को दोबारा से गर्म किया है, पकते हुए शीरे में मैंने इसको डालना है गुलाब जामुन को, और एक मिनट के लिए इसके अंदर पकाना है, फिर मैं इसका भी फ्लेम ऑफ कर दूंगी शीरे का। ये देखें बस एक मिनट के लिए इसे पकाऊंगी, फिर इसे कवर करके 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। यहाँ देखें ब्रेड के जो मैंने कॉर्नर कटिंग की थी, यहाँ इसको वेस्ट नहीं करना आपने, अगर आप चाहें तो इसके क्रम्स बना लें, या तो फिर मैं आप लोगों को इस तरह से ट्रिक दे रही हूँ, आप लोग इस तरह से बच्चों के लिए कैंडी बना लें। ये देखें मैंने इसको राउंड शेप में इस तरह से घुमाया है। एक टूथपिक लेंगे, ये देखें बहुत ही मज़े की कैंडी बनकर तैयार हो गई है। अभी मैं इसे अंडे में डिप करके इसे फ्राई करूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी, बच्चे खुश हो जाएंगे, आज उनकी मम्मा ने उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए इस तरह से कभी कभी कोशिश कर लिया करें, बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्वीट होते हैं और हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने इसको भी टूथपिक पे लगा दिया है। अभी एक लगा के इसको मैं फ्राई करूँगी, आप लोगों को भी दिखाती हूँ, इस तरह से मैं सारे बना लेती हूँ। यहाँ देखें मैंने इस तरह से ब्रेड के कॉर्नर बना के, कॉर्नर जो हमने निकाले थे सेपरेट, इनको इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। यहाँ पर एक ये थोड़ा सा अंडा मेरा बच गया था, यहाँ पर एक और अंडा लिया है मैंने। इसमें हमने 2 खाने के चम्मच चीनी डालना है। अच्छे से इनको फेंटेंगे। आप लोगों को भी अगर कभी ब्रेड क्रम नहीं ज़रूरत है तो आप लोग इस तरह से बच्चों को कैंडीज बनाकर दे सकते हैं ब्रेड के। ये देखें इसको मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र किया। चलें अब एक एक ब्रेड पकड़ के इसमें अंडे में डिप करना है हमने। ऑयल मैंने यहाँ पर गरम करने के लिए रख दिया है पैन में। चलें इस तरह से डिप करते जाएंगे और ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। ये देखें मैंने एक डाल दिया है अंडे में डिप करके, अब मैं इसे दूसरा डिप कर रही हूँ। अच्छे से आपने हर तरफ से इसमें अंडे की कोटिंग करनी है। हाई फ्लेम पे आपने इसे फ्राई नहीं करना, मैं लो फ्लेम में इसे फ्राई कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं करना आपने इसे। 2 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर शुगर ऐड किया है ताकि अच्छे से मीठा हो खाने में। चलें इस तरह से मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखें मेरी तैयार है यहाँ पर दोनों डिज़र्ट। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन को निकाल लिया है, यहाँ रसमलाई रेडी है, आप लोगों को मैं तोड़कर दिखाती हूँ। हमारे गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और अंदर से बिल्कुल ही परफेक्ट, अंदर से जूसी देख लें, बिल्कुल अच्छे से हमारा शीरा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है, माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं। और रसमलाई भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसमें जो मैंने मलाई डाली थी इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा आपके दूध में। आप लोग ज़रूर इस तरह से रसमलाई बनाइएगा। ये देखें रसमलाई भी मैं आप लोगों को तोड़कर दिखाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बने हैं हमारे रसमलाई भी। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और ये ब्रेड की कैंडी भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही है। चलें तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ एक नई रेसिपी में। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा बर्थडे विश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।